सोचा उस लबों पर क्या नाम लिखूं। मेहनत भी करनी थी, अपने सपने भी पूरे करने थे, बट इसी चिंता को छोड़कर बस अपनी मेहनत पर, अपने काम पर काम करने लगा। तो आप लोगों का प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहा और मैं आगे बढ़ता चला। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही प्यार देते रहिएगा अपने इस छोटे और बड़े भाई को। दिल से शुक्रिया। तो हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी भाई, अभी ये ब्लॉग जो शुरू कर रहा हूँ ना, माशाल्लाह साइकिल लेके चला रहा है। तो अभी ये ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ और जा रहा हूँ हेयर कट कराने के लिए। काफ़ी बड़े हो रखे और ये मेरा लास्ट हेयर कट होगा यहाँ पर, मतलब ये महीने। फिर आने के बाद में कटिंग होगी तो होगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अरे भेस किया, खा पी के कितनी मोटी तगड़ी हो गई है बिल्ली। कितनी मोटी तगड़ी, एक दो तीन, बहुत सारे कैट्स। बिकॉज ऑफ रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे कुछ भी मिलता है तो कचरा बाहर फेंकते हैं ना, तो वो लोग यूज़ करते। पहले रोड क्रॉस करेंगे अपन। गाड़ी वाड़ी खड़ी है, मेरे को उधर जाना है। अब मेरे को एक दो ड्राइवर को भी ढूंढना पड़ेगा यार, कोई मेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ सके। भाई अगर आप में से कोई देख रहा ना तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, और जो नियर बाय महाबुला और मंगाफ में रहता है तो मेरे को मैसेज कर देना, देन वी विल टॉक अबाउट इट। क्या अगर मैं पैसा भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि फ्री की सर्विस लेना चाहता हूँ। दूसरे को 5 KD देने से अच्छा मैं आपको 5 KD दूंगा, और थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएंगी और हम अच्छे से एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। तो अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करिए मुझे इंस्टाग्राम पर। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आपको दिखता होगा। तो चल भाई, पहले बाल कटाना है। 5 बजे का सीन है भाई, ये 4:30 बज गए, 20 मिनट में 5 बजे। अच्छा मतलब 4 बजे वाली बस से निकल गई होगी। हाँ पूछा, कितना प्यारा दिख रहा है ना। तो भैया आ गए अपने लोकेशन पर, ये रहा, देखते हैं कौन है आज, कौन काटेगा हमारे बालों को अतरंगी। तो जाते हैं अंदर इस बिल्डिंग के सामने अपना लोकेशन। भाई फ्री हो? काट दो यार। क्या काट दे? बड़ा हरामी हो बेटा। बाले। और कोई बाले नहीं काटना। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच भाई लोग। तो भैया बाल कटवा लेते अपने इस प्यारे से सैलून में और मिलते आपको। आप तक मैं देखता हूँ, अभी ला दे रहा हूँ भाई साहब। बढ़िया, पक्का हो गया, पक्का। रुको मैं टाइम लैप्स लेता हूँ आपको। इनकी थोड़ी फेसबुक में दिक्कत आ गई, चेक कर लेता हूँ क्या सीन है। हाँ माशाल्लाह, तो यार चेक करता हूँ। तो फिलहाल अभी देख लो मेरा कट कैसा गया, भाई ने कराया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। एंड भाई अच्छा लग रहा हूँ अभी फिलहाल, साथ में सर का बोझ हट गया, इतने बड़े लग रहे थे ना, सर भी दुख रहा था और एकदम अजीब सा जानवर लग रहा था। बट नाउ आई एम गुड, अब चलते घर पे, मगर पहले इनका फेसबुक का कुछ सीन है वो ठीक कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको बाद में। मजा आ गया, चलो बाय बाय इन लोगों को बोल दिया और जा रहा हूँ मैंगो शॉप में, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लाल कार्पेट बना रखा है, काफ़ी दिन के बाद में मैं यहाँ पे आ रहा हूँ यार। ओहो अलग अलग, अब मेरे को जिस दिन जाना है, जिस दिन शॉपिंग करना रहेगा, इनको टी शर्ट भी दे दिया, 10 दिन पे टी शर्ट वगैरह नहीं दिया था। मैं क्या क्या ले सकता हूँ मेरे को खुद ही नहीं पता, बट हाँ चीज़ें हैं मेरे को चाहिए जाने के लिए। 4 दिनार, 2 दिनार, 3 दिनार, 3 दिनार, ठीक है अभी नहीं, जिस दिन जाने लगेंगे उस दिन अपन धीरे धीरे शॉपिंग। साहब मेहनत
चालू है। $5.95 ऑरेंज जी पंकिन हमें नहीं चाहिए, मुझे खाली तुम लोगों को घुमाने आया हूँ, देख लो। भाई यहाँ पे पेप्सी का कलर चेंज है, जीरो शुगर ब्लैक, सही है भाई। ये पता है लबान है, लबान खाली बटर मिल्क पूरा लबान सेक्शन। ये क्या है भी? ओ डोसा 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 डोसा। न्यू के लिए गुड़िया, न्यू के लिए गुड़िया, एक गुड़िया और अन्नू के लिए गुड़िया, अन्नू के लिए गुड़िया, अने बाबू के लिए कार। भाई मैं भी फिश वाले आइटम के पास नहीं हो, देखो यहाँ पे पाया, बकरे का पाया, पब्लिक खड़ी है यार लेने के लिए पाया। लेना कुछ नहीं था, खाली बस घूमने के लिए आया था। यह है काउंटर एरिया, मैं सोच रहा हूँ अपने लिए एक ही ले लूँ। चलो भाई एंजॉय करते हैं आज का ड्रिंक, ये है रूबा दिन आए खर्चा करते। कितने गए? तो ले लिया, अब रूम पे चलते हैं और अपना चखना बनाते हैं और खाते हैं। चलो कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं, नॉर्मली शॉपिंग थी ना, वही कह रही थी नॉर्मल शॉपिंग, एक ठंडा। चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे जो शॉप है ना मैंगो शॉप, उसकी वजह से काफ़ी आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ है। क्या सीन होता है मैंगो शॉप में आते हैं, जिसको बाल कटाने होता है तो बाल भी कटा लेता है, मोबाइल की रिचार्ज है मोबाइल का रिचार्ज है, नया सिम कार्ड लेना होता है ले लेता है, और खाली छोटे मोटे लोकल शॉप जो बकाल है ना उनको थोड़ा सा दुखद सीन है, क्योंकि उनको है ना मतलब उनके पास में कस्टमर नहीं जा रहे, क्योंकि मैंगो हाइपर है ना भाई, बड़ा सारी चीज़ें एक साथ में मिल जाएगी। तो मैंने खाली एक बॉटल उठाई है, वो मतलब वो है क्या नाम है बॉटल का, सॉरी मतलब जो मैंने सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल उठाई है, तो नॉर्मल ड्रिंक पियेंगे एंड चलो चलते धीरे 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 धीरे। तो भैया बाल कटाने हैं मेरे को, मतलब मेरे को नूज दिरान में काट दिया, मगर सबको है ना 750 लेता है, तो अच्छी बात है ना भाई, ढाई रुपए दिन बच गए। तो हमने आज बिगा रखा था हमारा लवली चिकन, तो अब मैं चलता हूँ इस लवली चिकन का उद्घाटन करने के लिए, उसके लिए आई हैव टू दिस वन कट वेट। मैं जब ये सब सारी चीज़ें कट पिट करता हूँ तब तक आप लोग टाइम लैप्स का एंजॉय करो, क्योंकि मैं सिलो सिलो कट करके नहीं दिखा सकता ना, मेरे पास में ट्राईपॉड भी नहीं है कि मैं एक शॉट अलग से दिखाऊँ, एक शॉट वाइड एंगल एक शॉट पीछे से, तो बहुत टाइम लग जाता है, समझ रहे हो। मस्त एनिमल मूवी का जो सॉन्ग है ना काफी फेमस हो गया है भाई। चलो तो भाई साहब अभी है ना हमारा ये खाना मस्त पक रहा है, उसके बाद में हम टमाटर फिर चिकन फिर सारे मसाले भूख लगी है बन जाते था दरवाजा। बहुत दिन के बाद में भाई ये बॉटल को पिया है मैं, जब मैं आया था ना तभी। चलो मेरा बन गया रे भाई खाना, मेरा बन गया खाना, चिकन करी एंड राइस पक गए। अब मैं थोड़ा वर्कआउट करके फिर मिलता हूँ आपसे, सब अपनी जगह पर व्यवस्थित डन। तो भैया मैंने पानी वहाँ से भर लिया, यहाँ पे हमारे लिए फिल्टर लगा हुआ है, तो पानी तो भर लिया हूँ, अब चलेंगे थोड़ा सा मचाएंगे, यहाँ पे रख देता हूँ और थोड़ा नॉर्मल हल्का फुल्का एक्सरसाइज, छुट्टी का दिन है फिर इसके बाद में बाल कटाया ना, तो मैं अभी तक नहाने नहीं गया, मैं सोचा पहले पसीना पसीना हो जाता हूँ फिर थोड़ा बाद में मज़ा ही आ जाएगा है ना, तो इसकी वजह से। तो एक जब मैं वहाँ पे था ना बाल कटा रहा था, तो एक पाकिस्तानी था यार, वो बोल रहा था भाई ये वीडियो बना रहे हो आप, क्या करते हो यूट्यूब पे वीडियो डालते हो,
बोला हाँ भाई यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। बोलता हमारे पाकिस्तान में ना बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर लोग बंगला ले रखे रखे पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। बोला हाँ भाई मेहनत जा रही है, अपना भी टाइम आएगा, अभी खाली मेहनत जा रही है बस। तो मैं करता हूँ वर्कआउट, फिर मिलता हूँ। चलो भाई डन। तो इसी के साथ में मेरी वर्कआउट फिनिश होती है। हम चाहते हैं अभी पहले चेपते हैं अपना चिकन करी और फिर ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। पहले टेस्ट करूँगा कितना बना, कैसा बना, और तनुज भी खाएगा साथ में। सुमन की नाइट ड्यूटी है, उसके लिए रख दिया जाएगा, वो आके खाएगा। तो जाए भाई, चल जल्दी खुल जाए यार, यही दिक्कत होती है यार। खुल गया? हाँ मैं इधर पे आया, खुल गया। मिलते आपको ऊपर, नहा धो के प्लेस रेडी हो जाओ, बाल भी कटा के आया, पूरा बाल भी कटा के आया। मुझे का वर्कआउट हो गया मगर चिकन करी का यहाँ पे रख दिया, ये बॉटल अंदर लेके चलते। तो अभी हाउ आर यू सफिशन, ऑल गुड, व्हाट आर यू कुकिंग? आई डोंट नो। इसको कभी पूछा ना क्या कुक कर रहे हैं, बोलते हैं आई डोंट नो। आई वा मास्टर से कंटिन्यू, अभी या ना कुछ भी बनाता है, बोलता है आई डोंट नो। भाई सो रहा है अपना, हम चले ना निन्नू करने के लिए। तो फाइनली नहा के धो के रेडी होने के बाद में एक अब लगी है खाने पे टूट पड़ते। तो आई एम गोइंग टू ईट माय फूड नाउ। अब पहले लगी है बहुत तगड़ा वाला भूख, तो पहले चिकन टेस्ट करेंगे। शशिकांत तू क्या बनाता है बे? तो भैया खा के मजा आया, मैंने बनाया था जीरा राइस और चिकन, बहुत मजा आया भाई, पेट भर गया। मेरी वाइफ बोल रही थी कि मेरे को भी आके बना के खिलाना, इधर था बोल रही थी ना, ठीक है चल कोई बात नहीं। तो फिलहाल ये थी मेरी लाइफ, मेरी डे ऑफ। तो सफिशन भाई सोने ऑलरेडी बेड पे लग गए हैं। ओके बाय, गुड नाइट हबीबी। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे। बाय, गुड नाइट।